आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। यहाँ पे जितने भी दर्शक मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको लगा हो कि यार ये चीज के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ गए? जी मैडम। हेलो कपिल सर, कैसे जी, कैसी आप? हाय साहित सर। हेलो, हाउ आर यू? हाय। हेलो अर्चना जी। सर मेरा नाम नीलम है। तो क्या नाचोगे? बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी आपका। सर मैं 2006 में यूपी से मुंबई आई, मेरी शादी हुई थी। अच्छा जी। तो 2 महीने बाद मैं मुंबई घूमने के लिए आई थी अपने मामा के यहाँ। तो सर 2 दिन बाद गई मैं घूमने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जी। हाँ, वहाँ घूमने के लिए गई। तो सर वहाँ पे हमने समुद्र में बहुत सारा एंजॉय किया, शिप में बैठी। अच्छा जी। फिर शाम को, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फिर शाम को सर हम खाना खाने के लिए बाजू के होटल में गए, ताज में। सर ये तो हमको अब मालूम पड़ा कि वो होटल का नाम ताज था। कुछ भी। अच्छा। बट सर जब हम वो होटल में गए तो हमको मालूम नहीं था। अच्छा जी। फिर हमको खाना खाने की मेन्यू मिली, तो हमने जब वो मेन्यू पढ़ा तो वो हमारे बजट में नहीं था। हम वहाँ पे खाना खा सके तो सर हम सोचे कि अब हम आए हैं तो हम चाय पी के जाते हैं। तो सर हमने 2 चाय ऑर्डर की। अच्छा। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों ने चाय पी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर सर वेटर ने बिल लाया तो वो बिल 1050 की थी। सर वो बिल देख के बस हवा निकल गई। दूसरे को देखने लगे कि हमने खाना तो खाया नहीं, हमने तो खाली चाय पी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। 100 रुपए थे जिसमें से हमने 1050 बिल पे किए। फिर उसके बाद वेटर हम लोग को देखने लगा, हेलो सर, हाय मैम। तो हम लोग बोले आप क्या हुआ? तो शायद उसको टिप चाहिए थे। तो सर हमारे पास टिप नहीं थे उसको देने के लिए। म्यूजिक। तो हम चुपचाप होटल से बाहर निकल के आए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर सर वो दिन और आज का दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड आज तक कभी चाय नहीं पीते। Ha 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 ha!